तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों, असम राइफल की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज 7 to 13 मई 2022 की ये अपडेट है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में बताया था, तो काफी लोगों ने बोला कि सर इसका डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ है, वेबसाइट पर नहीं दिखाया गया है। तो अभी मैं आपको डिटेल से इस नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। वैसे ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की है और मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। काफी शानदार इसमें पोस्ट है और अच्छी भली आपकी सैलरी रहती है। असम राइफल की ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। ध्यान से वीडियो सेशन को देखना और उसके बाद में आपको आवेदन करना है। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि लास्ट डेट जो है इस रिक्रूटमेंट की वो 20 जुलाई 2 से 20 जुलाई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 जून 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो 6 जून 2022 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2022, यानी 1 सितंबर 2022 से आपकी ये रैली स्टार्ट होने वाली है। ग्रुप बी और सी की पोस्ट रहने वाली है। 1281 वैकेंसी है, ठीक है, पहले 1381 बताई जा रही थी, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में ये क्लियर हुआ है कि 1281 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आपको आवेदन करना है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर मैं बात करूं तो ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए जो फीस स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी पोस्ट, जो ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें एक तो आती है रिलीजियस टीचर की पोस्ट, फिर ब्रिज एंड रोड की पोस्ट आती है, तो इसके लिए ₹200 एप्लीकेशन फीस है। और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। SBI करंट अकाउंट में आपको ये फीस डिपोजिट करवानी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है सेंटर्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PSP एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET एंड रिटन टेस्ट कहाँ पर होगा। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पर बताया गया PSP PET एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट फॉलोइंग सेंटर। सेंटर एंड रिपोर्टिंग डेट फॉर PSP PET रिटन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर थ्रू नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा, लेकिन सेंटर कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखिए यहाँ पर असम में दीपू और कर्बिंगलोंग, और उसके बाद में सुकोवी, और उसके बाद में दीमापुर, उसके बाद में नागालैंड दीमापुर, फिर सिलचार, और फिर मसीमपुर, और उसके बाद में हापलोंग आपका सेंटर रहने वाला है PST PET और रिटन टेस्ट के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वैकेंसी है वो अलग अलग स्टेट के लिए है। स्टेट वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट है, जैसे राजस्थान में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, MP में कितनी है, UP में कितनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं, और इसके बारे में PST PET और रिटर्न टेस्ट के बारे में अलग से आपको बताया जाएगा डिटेल से। और फिर यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वेट चेस्ट बाय वर्च्यू और बिलोंगिंग टू द स्पेसिफाइड कैटेगरी, जैसे गढ़वाली, कुमाऊ, गोरखा, डोगरा, मराठी एप्लीकेबल विल हैव फर्निश अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट। उनको ये सर्टिफिकेट जमा करवाना है अगर उनको छूट लेनी है तो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमें बताया गया है क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो कट ऑफ डेट एंड एज के बारे में बताया गया, 18 से 23 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। एज की गणना 1 अगस्त 2022 से होने वाली है। ठीक है, अब आपका जन्म 1 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी इससे पहले आपका जन्म हुआ तो नहीं कर सकते, इसके बाद में हुआ तो नहीं कर सकते, यानी इस ये जो डेट आपको दी गई इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में यहां पर आगे आते हैं, तो यहां पर हमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, बाकी सभी को पता है कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 10% जो वैकेंसी है वो यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के लिए रखी गई है, जिसमें रिलीजियस टीचर है, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन है, फिर आर्मोर है, ठीक है, फिर IR ट्रेड है। ठीक है, इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। फिजिकल
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर, वारंट ऑफिसर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, फिर हवलदार, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन आर्मोर और राइफलमैन वॉशरमैन के लिए यहां पर बताया गया है। देखिए डिटेल से कि किस प्रकार से आपका पीएसटी होगा। यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, यहां पर मेल की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट है और जो चेस्ट है वो नॉर्मल 80 और फ्लावट के साथ में 85 सेंटीमीटर का बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में जो कैटेगरी गढ़वाली, कुमाऊ, गोरखा जो स्पेसिफाइड फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 78 है और 5 सेंटीमीटर फ्लावट के साथ में 83 चेस्ट रखा गया है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया द मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट 76-81 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है विथ कॉरिस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट को मिलने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा पीएसटी नायब सूबेदार यानी ब्रिज एंड रोड ओनली, उसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि नायब सूबेदार की पोस्ट कौन सी है, ब्रिज एंड रोड के लिए है। तो यहां पर भी हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की हाइट यहां पर 155 सेंटीमीटर रखी गई, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। चेस्ट 82-85 सेंटीमीटर रखा गया जो कि ओनली मेल्स का ही मापा जाएगा। इसके बाद में यहाँ रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया हवलदार की पोस्ट के लिए, हवलदार की पोस्ट जिसमें कलर्क आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओनली हवलदार की पोस्ट के लिए है जो कलर्क की पोस्ट है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर। अब बहुत सारी जो मेल फीमेल कैंडिडेट है वो कलर्क की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो उनको ये ध्यान से समझना है कि मेल की हाइट 165 रखी गई है, ठीक है, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट मेल कैंडिडेट का मापा जाएगा 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर फ्लावट के साथ में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ रिलैक्सेशंस के बारे में बताया गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होना है राइफलमैन आया के लिए, जो पैरामेडिकल फीमेल स्टाफ है उनके लिए, तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जिनको छूट मिलती है उनको यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर की छूट है, फिर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी गई है। चेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा आया का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो इनिशियल आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, ठीक है। और पीईटी के जो पैरामीटर्स है उसके अंदर दिया गया फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर की आपकी रेस होगी और ये आपको क्वालिफाई करनी है 24 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट की 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस होगी जो कि 8.5 मिनट में आपको पूरा करना है। और फिर जो लद्दाख रीजन से हैं और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर की रेस करनी है 6:30 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट्स को यहां पर 800 मीटर की रेस करनी है 4 मिनट के अंदर। ये उन लोगों के लिए जो लद्दाख रीजन से हैं, ठीक है, लद्दाख रीजन में मेल फीमेल दोनों के लिए थोड़ा सा यहां पर अलग क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए ट्रेड टेस्ट कह लो या स्किल टेस्ट कह लो एक ही बात है, और ये तभी होगा जब आप पीटी और पीएसटी क्लियर कर लोगे, ठीक है। पीएसटी पीटी में कोई आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो क्वालिफाइंग नेचर अगर आप ये पास कर लेते हो तो फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करें द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंपेराइज ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए 35 है और बाकी सब के लिए 33% रखे गए हैं। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए द कैंडिडेट वो सक्सेसफुली जो कर लेंगे द पीटी एंड पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू द नेक्स्ट स्टेज डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, भी जिनका पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ट्रेड स्किल टेस्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट हो जाएगा, उनको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ डिटेल मेडिकल के बारे में बताया गया जिसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेडिकल्स को लेकर बहुत सारे इश्यू रहते हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों के रहते हैं। फिर मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया, पे स्केल के बारे में यहाँ पर बताया गया, रिजेक्शन और एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, फिर यहाँ पर आपको बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप बी की जो पोस्ट है आपकी नायब हवलदार की, तो यहाँ पर ब्रिज और रोड के लिए है और ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इनिशियल रैंक यहाँ पर होगी नायब सूबेदार की, सॉरी,
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर बताया गया है मैट्रिकुलेशन आपका पास होना जरूरी है और आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। आपकी एज 18 से 23 वर्ष रखी गई है, बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको इसमें छूट मिल जाएगी। ट्रेड फिर कलर्क का है, कलर्क की पोस्ट जो है ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है और इनिशियल रैंक जो आपकी रहेगी वो इसके अंदर हवलदार की रहने वाली है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी आपका होना जरूरी है, 10+2, और उसके बाद में देखिए यहां पर आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग है उसका टेस्ट होगा 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और या फिर आप हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। ये 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष है, एज में आपको छूट मिल जाएगी अगर आप SC ST OBC या किसी अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फिर है यहाँ पर ट्रेड रिलीजियस टीचर का, रिलीजियस टीचर की मैं बात करूं तो इस पोस्ट में इनिशियल आपकी रैंक रहेगी नायब सूबेदार की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया है ग्रेजुएशन विथ मध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, हिंदी और संस्कृत के अंदर, और इसमें एज जो है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, ये जो पोस्ट है ये खाली मेल कैंडिडेट के लिए है और जो लोग 12वीं पास है या तो जिनके पास में कोई डिप्लोमा है, ठीक है, वो कर सकते हैं, या फिर जिनके पास में 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM सब्जेक्ट रहा है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 12वीं पास जिन लोगों ने PCM से किया वो आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष एज लिमिट है, एज में आपको छूट मिल जाएगी। इस पोस्ट के लिए आपको कॉम्पिटिशन काफी कम देखने को मिलेगा क्योंकि ओनली साइंस वाले ही आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में ट्रेड टेस्ट, ट्रेड दिया गया है रेडियो मैकेनिक का, जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अंदर भी अगर 12वीं में आपके PCM है तो आप आवेदन कर सकते हैं, 18 से 23 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है। फिर आर्मोर की पोस्ट है जो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है, इसमें खाली 10th पास होना जरूरी है। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, ये पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है और 10वीं पास में आपका होना जरूरी है, और 10वीं में इंग्लिश मैथ एंड साइंस एंड बायोलॉजी यानी साइंस आपके सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर है नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट, इसमें 10th पास आपका होना जरूरी है, 18 से 23 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है। फिर है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट, इसके अंदर 10+2 आपका पास होना जरूरी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में वेटनरी साइंस का, 21 से 23 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है, एज में आपको छूट भी इसमें मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें इसमें बताया गया है स्टेट वाइज पोस्ट के बारे में, और अया की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 10वीं पास होना जरूरी है, 18 से 25 वर्ष एज लिमिट है। फिर वासरमैन में भी 10वीं पास होना जरूरी है, 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है, बाकी एज में आपको छूट मिल जाएगी जो अपर एज लिमिट है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया स्टेट कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलॉटमेंट जो वैकेंसी का दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर अंडमान निकोबार की ओनली एक पोस्ट है, आंध्र